और ये जो नीलगाय यहाँ गौशाला में आई है इसको कल कुत्तों ने काट लिया। इसके काफी नीचे अभी दिन में हम इसकी ड्रेसिंग करेंगे तब देख पाएंगे, तो इसको काफी जख्म है और रेबीज ना फैले इसके लिए हम यहाँ ये रक्षा रेबीज नामक जो इंजेक्शन है वो लगा रहे हैं, जिससे इस नीलगाय को भी और यहाँ कार्य करने वाले गौ सेवक और डॉक्टर्स को भी रेबीज से बचाया जा सके। नीलगाय काफी एग्रेसिव होती हैं क्योंकि ये मानवों के बीच में नहीं रहती, खेतों में रहती हैं। अब लेकिन दर्द एक ऐसी चीज है कि आप देख रहे हैं यहाँ पूरी डॉक्टर्स टीम के साथ में ये बड़े ही आराम से अपना ट्रीटमेंट उपचार करवा रही है, क्योंकि इसको ज्यादा जख्म है, अंदर नीचे की तरफ बहुत ज्यादा जख्म है जो कि डॉक्टर्स ने बताया। अभी इसको एंटी रेबीज देने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स कराएंगे और उसके बाद फिर इसका ट्रीटमेंट ड्रेसिंग वगैरह आगे हम प्रारंभ करेंगे। ये सेवाएं लगातार गौ सेवाधाम हॉस्पिटल में चल रही हैं, जहां अन्य जीव जंतुओं के साथ में सैकड़ों गौ माताओं को लाकर के उनका इलाज किया जाता है, उनका उपचार।